तुम्हारे लिए। समी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, रमन कहीं कोई गूफ अप ना कर दे। हाँ डोंट वरी, भाई बड़े कूल प्लेयर हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि लड़कियों को कैसे हैंडल करना है, सो डोंट वरी, आई थिंक सब ठीक होगा। वो एक्सीडेंट के पहले की बात थी, अब रमन वो बेचारे पता है कितना डर रहे हैं उस नताशा से। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो, क्या हुआ, अंदर आओ ना। बैठो, मैं अभी आई। ये लाइट अचानक से चली गई। सही वक्त होता है तो चली जाती है। वैसे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं नहीं, वो सुनील कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तुम बैठो, सिट, कम। मैंने मैसेज पे तुम्हें बताया तो था कि सुनील आज हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा। मैंने उसे बाहर भेज दिया। कबाब में हड्डी तो नहीं चाहिए ना इश्ता, लेकिन डरने की बात तो है ना यार, उस नताशा को देखा है, एक नंबर की चालाक औरत है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस किसी के लिए भी। अब तुम मुझे डरा रही हो। अरे अच्छा ठीक है, तू स्ट्रेस मत ले, मैंने कहा ना भाई सब संभाल लेंगे, लेट्स जस्ट वेट फॉर हिज कॉल। वैसे तुम रिलैक्स क्यों नहीं हो जाते? ये कोट लाओ। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। I love surprises. बोलो जल्दी क्या है? मैंने हमारे लिए एक 5-star रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया है for a candlelight dinner. Oh. मुझे लगा कि तुम मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो। नहीं वो तो मैं करना चाहता हूँ, वो तो हम रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। वो तुम्हें 5-star रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत अच्छा लगता है ना? तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि मैं तुम्हें कभी भी 5-star रेस्टोरेंट नहीं लेके जाता। ओ, तो तुम्हें मेरे बारे में ये सारी बातें याद हैं? हाँ, कुछ बातें मुझे याद हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं भूल चुका हूँ। दरअसल जब एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तो भल्लाज मेरे साथ थे, और तभी उन्हें भी पता चला कि रमन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, इसलिए उन्हें लगा कि मैं रमन हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को इशिता से बात करते हुए सुन लिया था कि मुझे टेम्प्री एमनीशिया हो गया। यही वजह थी जिस वजह से मुझे पुरानी बातें याद नहीं आ रही, इसे उन्हें भी लगा कि रमन सारी पुरानी बातें भूल चुका है। फिर कुछ दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो रमन है बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं कुछ दिनों के लिए रमन की एक्टिंग करता हूँ, और फिर एक दिन उसकी जायदाद और सारे पैसे अपने नाम करके वहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन नताशा सच बात तो ये है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। मैं बहुत याद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुछ बातें। ओह माय पूर बेबी। हम चलें, वो नहीं तो टेबल की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है,
वो चाइनीज रेस्टोरेंट है और तुम्हें चाइनीज बहुत पसंद है राइट? तो तुम जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ। नो। अरे नताशा, थोड़ी देर रुकते हैं ना यहीं पर। नहीं नहीं नहीं, हमें चलना चाहिए, नहीं तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। हम बाद में आ जाएंगे, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। बट यहाँ रुकने में तो, अरे देर मत करो, हम लेट हो जाएंगे। तुम जाओ। सिम्मी, रमन का मैसेज आया है, उन्होंने मना लिया है उसे रेस्टोरेंट जाने के लिए। ये लोग अब भी निकल रहे तो हम लोग भी चलते, उनसे पहले पहुंचना, वरना नताशा हमें देख लेगी। हाँ, लेट्स गो। कैसी लग रही हूँ मैं? Beautiful as always. तो फिर चले? हाँ, चल सकते हैं। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? Okay. इशिता और सिमी भी निकल गए हैं, हमसे पहले पहुंच जाएंगे। ग्रेट। आउच! क्या हुआ? ओह! क्या हुआ तुम ठीक हो? हील्स पहने हुए थे, पैर स्लिप हो गया। शार्दुल, मुझे लगता है मेरे पैर में स्प्रेन आ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हम लोग घर वापस चले? लेकिन वो रेस्टोरेंट की बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। शार्दुल, मुझे बहुत पेन हो रहा है, आई कांट इवन स्टैंड। अच्छा ठीक है, तुम उठने की कोशिश करो, हाथ दो। दो हाथ, उठो। हाँ उठो। क्या हुआ? नो, बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे उठा कर ले चलो। उसकी क्या जरूरत है, तुम कर लोगी। तुम यहाँ पे हाथ रखो, मैं तुम्हें यहाँ से पकड़ता हूँ, तुम उठो, चलो उठो। हाँ हो जाएगा, चलो उठो उठो उठो। आउच आउच, ये आउच, बहुत दर्द हो रहा है शार्दुल, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है, चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं। थोड़ा पैर। तुम थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ। I can't, मुझे दर्द हो रहा है शार्दुल। ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर तक ले चलता हूँ, चलो। बहुत देर नहीं हो गई? रमन ने मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं आना चाहिए था ना उन्हें तो अब तक में। इसका सच बताऊं, मुझे उस नताशा पे ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मतलब लग रहा है कि पता नहीं हमने प्लान बना के भी सही किया है या नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।